जो घमंडिया बोल रहे वो खुद घमंडिया। सवाल तो इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री नकल करने ही नहीं जानते, नकल से भी पास नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बुंदेलखंड में मिसाइल बना रहे हैं, मिसाइल ऐसा तो नहीं कोई बांदा के लोगों ने छिप करके मिसाइल बना ली हो, बीजेपी वालों ने बना ली हो मिसाइल कोई। इन बीजेपी वालों से पूछिए मिसाइल कहां है तुम्हारा, 30 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा दिए, हमें तो लगता है इन्होंने छिपा करके कहीं टमाटर के पौधे लगा दिए। करोड़ों रुपया पता नहीं कहां जा रहा है, करोड़ों रुपया, और हमारे प्रधान मारे जा रहे हैं इसी में, उनपे कोई काम नहीं है, केवल अपने जानवरों की रखवाली कर रहे हैं। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बुंदेलखंड में मिसाइल बना रहे हैं, मिसाइल ऐसा तो नहीं कोई बांदा के लोगों ने छिप करके मिसाइल बना ली हो, बीजेपी वालों ने बना ली हो मिसाइल कोई। इन बीजेपी वालों से पूछिए मिसाइल कहां है तुम्हारा, क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बताओ कहीं डिफेंस का कॉरिडोर बन गया हो तो बता दो माधव चित्रकूट वालों, कहीं हो डिफेंस कॉरिडोर। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया वो भी हम लोगों की नकल की। कमाल तो इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री नकल करने ही नहीं जानते, नकल से भी पास नहीं हो सकते। वैसे तो नकल नहीं अकल चाहिए, बिना अकल के नकल नहीं कर सकते। आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की नकल की, बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और दूसरे दिन ही बुंदेलखंड फंस गया। और आज भी अगर यहां से जाओ तो झूला झूलते हुए चले जाओ, अगर झूला ना झूला हो तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे चल लो, अपने आप पता लग जाएगा झूला झूला कि नहीं झूला। अभी सदन में कह रहे थे कि जो टमाटर महंगा बिक रहा है इससे हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। बताओ किसान भाइयों यहाँ पर किसी ने टमाटर पैदा किए हो तो बता दो, किसी के खेत में टमाटर हो तो बता दो, और जिन्होंने ठेले से सब्जी मंडी से टमाटर खरीदे होंगे तो बताओ किस कीमत खरीदे होंगे। ये नौजवान भी लगता है मंडी जा रहे हैं खरीदने टमाटर, लेकिन बनाने वाली हमारी माता है मैंने जानती होंगी, बताओ टमाटर की कीमत क्या है। पता नहीं कौन मुनाफा कमा रहा है, कौन मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे किसानों को मुनाफा हो रहा है। अभी सुनने में आया उन्होंने पेड़ लगाए हैं, 30 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा दिए, हमें तो लगता है इन्होंने छिपा करके कहीं टमाटर के पौधे लगा दिए। पेड़ तो हमें दिख नहीं रहे कहीं, अगर दिख रहा हो तो बताओ, इन्होंने तो टमाटर के पौधे लगा दिए कहीं लगता है उसी को गिरने रहे हैं। अखिलेश जी क्या लगता है कि बुंदेलखंड में आपकी आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कब्जा होगा? मैं कह रहा हूँ इंडिया पीडीए मिलकर के 80-80 सीटें जीतने जा रहे हैं, बुंदेलखंड की अगर बात करें सब सीटें बुंदेलखंड जीतने और इसलिए जीतने जा रहे हैं, मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया, और जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे आप खुद सोचो बांदा में 300 बेड का अस्पताल बना खड़ा है, डॉक्टर नहीं मरीज नहीं, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर कुछ है ही नहीं, सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है।
जो अधिकारियों से मिलकर के सरकार चला रहे हैं। ये अधिकारी बदल जाते हैं, जब दूसरी सरकार आएगी तो इनके पीछे मुकदमे लगा देंगे। मैं सवाल ये है कि अन्याय इनकी सरकार में बढ़ा है। जो घमंडिया बोल रहे हैं वो खुद घमंडिया। बुलडोजर की कार्रवाई पे आप क्या कह रहे हैं? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टेयरिंग होता है, और इनको सोचना चाहिए। लखनऊ जैसी राजधानी में सबसे ऊंची ऊंची इमारतें बीजेपी के लोगों की हैं, और मुझे जानकारी मिली है बहुत सारी ऊंची इमारतें इलीगल हैं। अगर दो छत का घर इलीगल हो सकता है केवल एक फिट छज्जा बाहर निकालने से, तो सोचो जो 10 मंजिल की, 5 मंजिल की, 6 मंजिल की बिल्डिंगे होंगी वो कैसी लगेंगी जब गिरेंगी। तब बैठ करके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सुनेंगे तो आने वाले समय में क्या रणनीति बनानी है उसमें हमें मदद मिलेगी। और जब तक रणनीति बनाने में हम लोग कामयाब नहीं होंगे तब तक बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोक कल्याण, लोक जागरण, शिविर, प्रशिक्षण देने का काम समाजवादियों ने किया है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार का घमंड, अहंकार स्वीकार न करना समस्या के लिए, ये इनका पतन का कारण बनेगा। सबसे पहले खासकर ये बांदा और चित्रकूट और खासकर बुंदेलखंड, यहाँ के लोगों को डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर, डिफेंस एक्सपो के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए थे। लेकिन आज भी 10 साल की दिल्ली की सरकार, और जब तक चुनाव होगा लगभग 7 साल इस सरकार के पूरे हो जाएंगे, बुंदेलखंड वैसा ही का वैसा दिखाई दे रहा है। जहाँ गलत अलाइनमेंट दिया इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, उसके कारण 15,000 करोड़ खर्च होने के बाद भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोग नहीं है। अगर लोग चलते हैं तो उन्हें झूला झूलना पड़ता है सड़क पे चलने पर। मैंने कहा कि अगर एक्सप्रेसवे की नकल ही करनी थी तो उसके लिए बुद्धिमानी और अकल की जरूरत थी। आपने इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक नया भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है। और तब जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी को धोखा देना। बीजेपी का ये एक्सप्रेसवे केवल यही नहीं, बीजेपी ने जो भी एक्सप्रेसवे किया वो भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखे हैं तो वो भी इसी तरह का है, गड्ढे हैं, जानवर घूम रहे हैं, इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों से सड़क नहीं बनाई। और ताज्जुब तो तब होता है जब गोरखपुर लिंक केवल 90 किलोमीटर 6,000 करोड़ का बना रहे। ये सरकार जो दूसरों पे आरोप लगाती थी, आज उनके पास जवाब क्या है कि 90 किलोमीटर आपने 6,000 करोड़ का बना रहे हैं आप लिंक रोड, वो भी 4 लेन हाईवे। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो विकास को नए आयाम देता, उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया आपने। इसके किनारे न मंडी है, न किसानों को सुविधा है, न चलने वालों के लिए सुविधा है, रात में जानवर हैं, गड्ढे हैं, और अभी भी सड़क पे रिकार्पेटिंग हो रही है। कोई सड़क ऐसी नहीं जिन पे जानवर या सांड न घूम रहे हो। सबसे ज्यादा आत्महत्या बुंदेलखंड में हुई, सांड से टकरा करके लोगों की जान यहाँ पर गई। सूखा और बाढ़ से पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है। सूखा में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मदद मिल पा रही है। बिजली का बिल महंगा है, बिजली आ नहीं रही है, और एक भी कारखाना बुंदेलखंड में सरकार नहीं लगा पाई, इसलिए शून्य होकर के जाएंगे बुंदेलखंड से भाजपा के लोग। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं।